रामदेव जी महाराज ने मित्र लोग हल्दी लगा रहा है। हमारी हली धीरो रंग सुरंगी आदि पीजे मारो हल धीरो रंग हल्दी मोलावे बनारा बाबोता बनारा बाबोता हल्दी रंग चढ़ियो ए मोलावे रामदेव धीरा धीरे हल्दी रंग रे रंगे सो रंगी आनिपजे मारी हली दीरो रंगे सो रंगी आनिपजे मारी। एक लाइन अशोक जी भी गाएंगे। राजरी बारात चढ़ी अरे घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो रामदेव जी दाता ये घोड़ी करे रे धीरा आका जी दाता जान चढ़ो रामदेव जी दाता अरे घोड़ी करे जी आबाई धाबा जान चढ़ो अरे घोड़ी करे आ तो आबाजी दाबा जान छो राम देव जी रा बाबा अरे तेल चढ़ी नेतल जोवे बाता तेल चढ़ी नेतल जोवे जी बाता जान छो राम देव जी रा बाबा अरे तेल चढ़ी रे नाजू जोवे बाता तेल चढ़ियो नेतल जोवे बातो जान छो राम देव जी रा छोटा तालियां बजाए घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान छो राम देव जी बना समारो केसरियो हजारी फुली रो रे जारी खुली रो खुली बना उबाओ मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारो के सदियो हजारी खुली रो रे फूली हजारी रे खुली रो रे फूली चंपारी हंजारी रे गुली रो फूले ये सब पेड़ी रे टिकी पावे ए बिरा मारा मातलियो मती रहे ने गुजरे पादी तालियों से अभिवादन करें सभी लोग मती रहे ने गुजरे पादी ये साथी डारी निजीरा अरे भाई भाई माजड़ियो ये मंत्रावे ने ये भुजरे बांधी मंत्रावे ये भुजरे बांधी भवर जी ने निजरा लागे ए पीरा मारा अड़के धड़के चौवटी मती जाई सावटी ए मती जाई चोरा सदी निजीरा
ए पीरा मारा जड़ी के धड़ी के अरे बागों में मती जाजे बागों में मती जाजे इंदिरा मालड़ी नजीरा लाजे ए पीरा मारा अड़के धड़के चंबड़ी ना मती जाई सबरिया में मती सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला रामदेव जी महाराज री दो महीना थी मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी दो बेटियां थी एक रो नाम लाचाबाई तो दूसरी सुगना थी लाचाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो लाचाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगना भाई ने 12 साल तक सुगना भाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगना भाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता था का आंखों में आंसू डा ढलकावे बोलिए बीरा मारा राम दे के तो आजा बीरा राम देव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगना भाई उदास उठीने मां उदास तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्न राय को वह मरियल सी सांड ले जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो पुराने जमाने में कई सिस्टम था रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो रत्ना ने ही सारी बातों को कोई पतो नहीं रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चले गयो सामने सुगना भाई जब पति दे विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आ कौन है थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम काई है रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो बोले कि रामदेव रासो मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गया बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया
अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे केतड़ी रे माई जियो घेरोला केतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कवरी बोले जमल गर्वतार की अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसाब दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले सुधारने दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हो नहीं पास में वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार करो ना दर्शन करीवाने आयो जियो दर्शन करीवाने आयो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो
पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार बुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे हो। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमान थारे जरा कई बड़ा भगत की दुनिया में है। बोले भगवान वो कई? बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमान जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी, आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमान उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, अरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला, बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे पालड़े तो दो टाबर झूले, पानी रो तो दूध बनेला, पानी रो तो दूध बनेला, कुकू पगल्या आंगने। भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे। अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो, और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात्रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो, चारों तरफ तूफान आयो, और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में
वीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की। जय अजमल जी ने आंगने में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया, घर नो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाशो गर्जना हुई। और भगवान अजमल जी ने जब आंगने में आया तो भक्त लोग लिखियो है, खम्मा 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 हो कवरी जी मांगरा, खम्मा खम्मा हो कवरी जी मांगरा, खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी हो, गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी रे हो, हो, अजमल घर अवतार लियो, भादरवारी तुझी जाननी, अजमल घर अवतार लियो, कुकु पगला मांड सावरियो, पालनिये में पौड़ी गयो, कुकु पगला मांड सावरियो, पालनिये में पोड़ी गयो, दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरज भरी लादा, बारिका नात्री लीला राजस्थान जियो गुजरात जियो, खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी हो, गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी ने हो, पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगला मंडाया, और दूजो परचो माता मैणा देने दियो, उफण तो दूध दबायो। अब देखिए, दो दो बाल की देखी पालनी है, मेणा दे शंका लाई, दो दो बाल की देख पालनिए, मेणा दे शंका लाई, ओ कहीं जादू
होयो घर में माता मन में घबराई हो कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैयारी शंका ने मेरी दूध उपण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम का घनी घनी खम्मा राजा राम सा अरे गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जाओ ओ मन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो खम्मा 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 रे कंवरे अजीमा रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो खम्मा खम्मा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गांवरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरसरा डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज के सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांजिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो
माख माख मारे तो बड़ी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो माख माख मारे कबरे अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं। अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई। किसान ने आड़ा टोड़ा बोलता बोलता अपने घर चला गया। अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोली रानी बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे अरे बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कई पाप कमाया जियो एड़ा कई पाप रोता थका आंखा में आंसोरी लड़ी पेवे अपनी रानी मैना देने कहने लगा बोला रानी इनसु चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैनादेव जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारका रो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका के रास्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एक टा बदले Hey
दुनिया माने मोसा बोले इकटा बद दे कारने, दुनिया माने मोसा बोले इकटा बद दे कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी, और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, हरी पूजा आरती में विघ्न करूला, मर जाऊला, लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो। कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया, मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कटे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने, तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़िया, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने। भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी, आपने चोट कटू लागी। तब
श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल, उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, अरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदू करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे।